हेलो एवरीवन गाइस कैसे हो आप सब तो आज हमको पढ़ना है अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा प्याराफा चैप्टर जिसका नाम है एसी सर्किट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है बहुत ही मजेदार चैप्टर है और मैं कहूंगा गाइस सबसे 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 आसान है। मतलब ये सबसे आसान चैप्टर चैप्टर है है ये मतलब ज्यादा ज्यादा सिंपल चैप्टर है ठीक है ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इसमें ना वही चीजें हैं जो ऑलरेडी आप जानते हो बहुत ही मजेदार चैप्टर है ठीक है सो so गाइज मैं आपको बता दूं कि हमने फिजिक्स के ऑलरेडी चैप्टर नंबर वन टू थ्री फोर और ऐसे ही फाइव फिर हमने कहा अभी हमारा सिक्स बाकी है और हमारा सेवेंथ जो है यहाँ से लेकर के ऐसे पूरे बारह चैप्टर हमने कवर कर दिए ठीक है आज हमारा थर्टीन चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और बहुत ही मजा आएगा ए सर्किट को पढ़ने में ये हमारा इस वीडियो का पार्ट नंबर वन है बहुत ही मजेदार चैप्टर है बहुत ही अच्छे से आपको समझने वाला है बस आप इस पूरी वीडियो को देखना एकदम बेसिक से बताऊंगा एकदम डीप एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम अच्छे से ईच एंड एवरी पॉइंट बताऊंगा ठीक है so सो बस पूरा वीडियो आपको एट द एंड तक देखना है सो so आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा एंड मेरा नाम है प्रशांत और ये हमारे फिजिक्स का चैप्टर नंबर थर्टीन क्लास ट्वेल्थ महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का so चलिए चलेगा स्टार्ट करते हैं बेसिकली सो so आप मुझे यहाँ पे कॉनेक्ट कर सकते हो फॉलो कर सकते हो आप हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक टेलीग्राम की दी हुई है वहां पे जाकर के आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ ग्रुप को और आपको सारी सारी नोट्स वहां पे मिल जाएंगी ठीक है और आप मुझसे मेल में भी पे कर सकते हो ओके okay? तो सर्किट कभी भी सर्किट की अगर बात आती है तो सबसे पहली बात यही इंपॉर्टेंट हमको समझता है कि भाई एक्टली exactly पहले करंट के बारे में समझते हैं ईच एंड एवरी थिंग वट इज करेंट एग्जैक्टली हमने नाइन्थ में पढ़ा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव फ्री चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट नंट और करंट को मर्डियर हम

जिसमें वोल्टेज इज टू आई आर हम लोग ये हमेशा इस तरीके से लिखते हैं मतलब IR, ये हमारा ओहम होता है। जिसमें से हमाराज है, कि है, वायर है, वायर है तो उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होता है तो वो वोल्टेज कितना है ठीक है वो वोल्टेज और करंट आई और जो हमारा आर है ये रजिस्टेंस तो ये बातें आपको जानकर रखनी है तो ये आर हमारा रजिस्टेंस कहलाता है आई हमारा करंट और वी वोल्टेज ये सबको पता होता है थोड़ा सा आपकी बुक्स के इंट्रोडक्शन के बेसिस पे अगर मैं चलू तो मई डेर पहले हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ए सी और डीसी में फर्क क्या है तो जो हमारी एसी सर्किट होती है आपको पता ही होगी पोलारिटी हुआ करती है पॉजिटिव और निगेटिव की पोलारिटी हुआ करती है किसी भी बैटरी में या कहीं भी करंट जहां पर भी बहता है करंट जहां पर फ्लो होता है वहां पर तो एसी करंट में पोलारिटी हमेशा चेंज होती है मतलब कंटिन्यूसली चेंज होती है हर एक मोमेंट में हर एक गिवन टाइम में थोड़े से टाइम बाद हमेशा पोलारिटी बदल जाती है बट इन केस ऑफ डीसी सर्किट ऐसा नहीं होता डीसी सर्किट में हमारा ये डीसी करंट में क्या होता है डीसी करंट में जो पोलारिटी होती है हो फिक्स रहती है क्योंकि ये जो करंट होता है ना बैटरीज में इस्तेमाल होता है और बैटरीज में कभी भी आपकी पोलारिटी थोड़ी बदलती है जो पॉजिटिव रहता है वो पॉजिटिव ही रहता है जो निगेटिव रहता है वो निगेटिव ही रहता है तो कभी भी डीसी में कभी भी ऐसी पोलारिटी बदलती नहीं है बट इन द केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और एक चीज और है अल्टरनेटिंग करंट में हम क्यों ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो फैन चलता है हमारे घर में जो टीवी चलती है कूलर चलता है जो हमारा रेफ्रिजरेटर है ये सब के सब अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर डिपेंडेंट है सर ठीक है अल्टरनेटिंग करंट के बेसिस पे ही ये चलते हैं क्यों ज्यादा अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है तो एज कंपेयर टू डीसी करंट इसमें हमारा लो कॉस्ट और सप्लाईज का जो कॉस्ट वो भी कम लगता है कन्वीनियंस ज्यादा होता है हाई कन्वीनियंस होता है ये ठीक है ये बात आपको सब जान के रखनी है तो ये सारी चीजें माइडियर आपको समझनी है एसी सर्किट के लिए बट इन द केस ऑफ डीसी यही जो चीज होती है सारी सारी एनर्जी हमारी स्टोर रहती है इन द केस ऑफ डीसी करंट में तो डीसी करंट में हमारी इस पूरी की पूरी जो एनर्जी होती है वो स्टोर्ड रहती है और एनर्जी को स्टोर करने में कॉस्ट ज्यादा लगती है ये बात आपको समझनी है अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो हमने टेंथ में भी पढ़ा था चैप्टर नंबर फोर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अगर आपको वैसे टीचर ने पढ़ाया होगा तो अच्छी बात है वरना मैंने अभी नई वीडियो जाके डाली है तो प्लीज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा जाके अभी भी आप देख लो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ठीक है सो फ्रीक्वेंसी इज नॉट फिक्सड अल्टरनेटिंग करंट के केस में ठीक है बट इन द केस ऑफ डीसी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है कोई चेंजेस इसमें डायरेक्शन का नहीं होता है फ्रीक्वेंसी इसके ठीक है ये सभी बच्चों को भी मालूम था आपकी बुक में ट्वेल्थ क्लास में दिया हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया ठीक है चलो हमने कहा इसके पहले वाली जो हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर ट्वेल्व उसमें भी हमने ए जनरेटर के बारे में बात की थी और हमने इसके पहले चैप्टर नंबर टेन मैग्नेटिक इफेक्ट तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में भी हमने ए जनरेटर के बारे में बात की थी हमने क्लास टेंथ में भी ए जनरेटर के बारे में पढ़ा था चैप्टर नंबर फोर में तो वो सारी चीजें हमको पता है तो फाइनली भाई एसी जनरेटर करता क्या है एग्जैक्टली exactly, जनरेटर क्या करता है तो जनरेटर हमारा इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट को जनरेट करने में हेल्प करता है बट एसी एसी का जनरेटर का मतलब क्या मतलब वो एसी करंट को जनरेट करेगा तो ये बातें आपको जान के रखनी है ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है जो हमने अभी अभी चैप्टर नंबर ट्वेल्व से सीखी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में जो हमारा एसी जनरेटर था वहां पे जो चीजें हमने सीखी तो वो ये थी कि जो हमारा एसी जनरेटर है वो हमारा टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है और टाइम के साथ साथ चेंज होता है अगर टाइम बदल गया ना तो हमारा एसी जनरेटर की फंक्शनिंग बदल जाती है ठीक है और जो ये ई प्रोड्यूस करता है अब देखो ये तो सबको पता है ना वोल्टेज रहता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ठीक है तो ये हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है तो अगर हमारा ए जनरेटर थोड़ा बदलता है या कुछ भी चेंज होता है तो ये भाई ये तो फिक्स है कि हमारा ई प्रोड्यूस करता है क्योंकि अगर एसी जनरेटर के अंदर कोई भी टाइम के साथ चेंजेस आते हैं तो उसका मैनेटिक फ्लक्स चेंज होता है फ्लक्स चेंज होगा तो ई प्रोड्यूस होता है हमने सीखा अभी अभी चैप्टर नंबर ट्वेल्व में तो अगर हमारा ई प्रोड्यूस हुआ तो ये बात ध्यान रखना कब प्रोड्यूस जब टाइम चेंज हुआ यानी कि हमारा ई एम एफ किसके ऊपर डिपेंडेंट है टाइम डिपेंडेंट है तो ये बातें आपको जानकर रखनी है फिलहाल ये सब आपको पता भी होना चाहिए मैंने इसके पहले के पार्ट में ही पढ़ाया है और नाउ अब हमको गाइस एक चीज और पता करनी है कि जो वो ई एम एफ बदलता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो हमारे को एक ये इक्वेशन है ये भी हमने ई चैप्टर में देखा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में हमने देखा जहां पे हमारा ई नॉट है वो हमारा पी की वैल्यू है टेंशन मत तो ये मैं ऑफिस से आपको सब बताऊंगा ठीक है और ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कोई टेंशन की बात नहीं है रोटेशन वाली अब ये रोटेशन जानते हो क्या है क्वाइल की रोटेशन हमारा बीच में दो मैगनेट रहता है नॉर्थ एंड साउथ पोल ये तो जनरेटर रहता है ना ऐसे ही हमारा जनरेटर काम करता है ठीक है ऐसे रहता है ना फिर हमारा ये क्वाइल है ये ऐसे रोटेट करता है तो रोटेशन की जो वेलोसिटी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है अब आपको ये क्लियर हो गया रहेगा मतलब कितना रोटेशन कितना फ्रीक्वेंट है रोटेशन हमारा ये हमारा ओमेगा है ये बात आपको जाननी है जो हमारा ई e है वो हमारा ई है और जो हमारा ई e नॉट है वो क्या है पीक वैल्यू है और टाइम टी है ओमेगा हमारा फ्रीक्वेंसी है मतलब कितने गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में कितनी फ्रिक्वेंसियां ले रहा है हमारा क्वाइल और फिर उससे ई एम प्रोड्यूस हो रहा है यही इक्वेशन हमारा दिखाता है हमने ऐसा इक्वेशन चैप्टर नंबर फाइव ऑसिलेशन में भी पढ़ा है है ना चलो अभी फाइनली अभी हम इस सब ऐसे भी सीखेंगे थोड़ा रुक जाओ थोड़ा पेशेंस रखो अपने अंदर अभी हम आगे बढ़ते हैं सो माय डियर पहले ही मैं आपको अच्छे थोड़ा सा और बता दूं अभी अभी हमने सीखा कि ये हमारा ई के लिए हो गया आप चाहो तो ये क्वेश्चन कभी याद भी कर लो क्योंकि आगे बहुत यूज होने वाला है बता दूंगा कि ये मतलब इनमें मीनिंग क्या है सब बता दूंगा इसका प्रूफ मैंने चैप्टर नंबर फिफ्थ ऑर्सोशन में सिखाया है और इसके पहले चैप्टर नंबर में भी सिखा दिया है तो अब बार -बार वही इन दी ए सी जनरेटर और करंट कैसे दिया जाएगा तो करंट आई टू आई नॉट साइनिगाटी प्लस अल्फा ये अल्फा ये अल्फा जानते हो क्या ये फेज डिफरेंस है मतलब दो फेजेस कोई भी दो हमारी जो मतलब फ्रीक्वेंसियां होती है उनके बीच का जो फेज होता है

करंट की पीक वैल्यू से मैं आई नॉट से दिखाऊंगा ये क्या होते हैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ा रुक जाओ ठीक है ये बातें आपको जाननी है नाउ अब यहाँ पे जान लो एक चीज जान लो कि जो पीक वैल्यू होती है वो क्या होती है एक्जैक्टली exactly. अभी भी ये पढ़ोगे ना आपको डायग्राम में लेके चलोगे तभी आपको समझेगा डोंट वरी ठीक है यहां देखो पीक वैल्यू पीक वैल्यू जो होती है ना किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की या ई की चाहे करंट का हो या ई का हो कोई भी रहें दो वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है अगर मैं करंट की बात करूं तो वो मैक्सिमम करंट अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो मैक्सिमम ईएमएफ ठीक है ये बात आपको समझनी है और चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो उससे फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जिस भी डायरेक्शन में होगा वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी सबसे खतरनाक और सबसे मैक्सिमम वैल्यू अगर करंट की बात करो तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है अगर ईएमएफ एम एफ की करो तो ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वही उसकी पीक वैल्यू होती है ओके अब देखो हमने गाइस ऑलरेडी चैप्टर नंबर फोर क्लास टेंथ में भी सीखा है इलेवेंथ में भी पढ़ा हमने ट्वेल्थ में भी पढ़ा कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है वो कुछ इस तरीके से ये हमारा टाइम है जिसे मैं ओमेगा टी से दिखा देता हूँ है ना हम जानते भी हैं ओमेगा टी से हम इसे टाइम दिखाते हैं ओमेगा क्यों लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी टी क्या है टाइम कितने टाइम में कितनी फ्रीक्वेंसी कवर करेगा ये हो गया यहाँ से हमारा ग्राफ चलता है इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट के लिए ठीक है इस तरीके से हमारा ग्राफ चलता है ठीक है ये हमारा ऐसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को दिखाते हैं ये यह हमारा यहाँ पे जीरो रहता है फिर यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ता है हमारा हमने ऑसिलेशन में भी पढ़ा था वही ग्राफ मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा मेरे पास एक ग्राफ है 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 जिसमें मैंने यहाँ पे टाइम टाइम प्लॉट किया ये 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 ओमेगा ओमेगा टी टी जो है, जो फ्रीक्वेंसी अब देखो हमने जीरो से स्टार्ट किया अब हमारा देखो अगर मैं इस लाइन के खिलाफ मतलब अगर इस लाइन के साथ साथ जाऊं इस लाइन की अगर मैं साथ साथ जाऊं तो मेरी सारी तो जीरो, ही रहेंगी, जीरो ही रहने वाली है। लेकिन, अगर मैं देखो अल्टरनेटिंग करंटे तो मेरा ऊपर फिर जाएगा तो सबसे ऊपर का एम्पलीट्यूड जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो इस पॉइंट पे रहेगा मतलब इस बेस पॉइंट से ऊपर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा पूरा एम्पलीट्यूड कहलाएगा और हमने ईएमएफ की जो पे प्लॉटिंग की है तो ईएमएफ एम यहाँ पे इस पॉइंट में ईएमएफ जो रहेगा हमारा ई नॉट कहलाएगा यानी कि ये हमारी पीक वैल्यू है और सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी रहेगी यहाँ पे रहेगी जो भी ईएमएफ की यहाँ पे वैल्यू आएगी वो हमारी लोवेस्ट वैल्यू रहेगी समझ गया ये बात आपको जाननी है ऐसी ईएमएफ की यहाँ पर भी ये पीक वैल्यू है ई नॉट बट इन दी निगेटिव डायरेक्शन क्योंकि नीचे निगेटिव रहता है ऊपर पॉजिटिव रहता है हम सब जानते हैं ग्राफ में ठीक है और फिर हमारा इस पॉइंट पे जब एक्सिस में आएगा फिर से जीरो हो हो जाएगा तो ये ये हमारा टाइम है मतलब हो गई हमारी एक फ्रीक्वेंसी फिर ये दो फ्रीक्वेंसी ऐसे करके कि कितनी फ्रीक्वेंसियां ले रहा हूं कितने टाइम में यही टोटल हमारा ओमेगा टी हो गया ये हमारा टोटल टाइम भी मान सकते हो इसे मतलब कि कितनी ओमेगा ले रहे हो यानी कितनी फ्रीक्वेंसियां ले रहे हो इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम समझ रहा है तो यही है ओमेगा टी और किसका ई एम एफ का फ्रीक्वेंसी समझ गया तो ये बातें आपको जाननी है अगर यही हमारा ये ई e के जगह में आई होता तो ये हमारी क्या होती यहां पे पीक वैल्यू ऑफ द करेंट होता यहां पर भी पीक वैल्यू ऑफ द करेंट होता समझ गया ना एकदम सिंपल अल्टरनेटिंग करंट है तो हमेशा अल्टरनेट होता है अब थोड़ा सा और आपको इंटरेस्टिंग बातें बता देता हूं जो लूप वगैरह है सारी चीजें कैसे क्या होती हैं ठीक है यहां पे ध्यान देना बहुत ही अच्छी सी बातें हैं देखो कभी भी क्या होता है अगर एक साइकिल है हमारा यहां से अगर स्टार्ट होता है तो यहां से चलेगा और वो वापस से उसी एंगल में आने के लिए जहां से जिस जिस भी लाइन से उसने स्टार्ट किया था वही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेशन में आने के लिए वो वन एट्टी डिग्री का एंगल बनाएगा कितना बनाएगा वन एट्टी तभी भी इसको हम वन एट्टी डिग्री के एंगल वाले सर्कल को क्या कहते हैं हम उसे हाफ सर्कल कहते हैं आपने सीखा भी होगा फुल सर्कल का जो एंगल होता है वो जानते हो कितना होता है थ्री सिक्सटी का होता है लेकिन हाफ का क्या रहेगा वन एट्टी देखो ये हाफ सर्कल है तो ये हमारा 180. अगर ये ये हमारा अगर और एक बार ऐसे चला गया तो ये पूरा बन गया 180 और तो तो बन गया तो ये हमारा पूरा सर्कल कहलाएगा मतलब जो अभी ये हमारा यहां से यहां से स्टार्ट करूंगा और यहां से पूरा ये, ये यहां तक यहां तक ये यह हमारा पूरा एक सिंगल सर्कल कहलाएगा जिसका एंगल थ्री सिक्सटी होता है समझ गया तो इस तरीके से आपको समझना है मतलब हर एक हाफ सर्कल के बाद

समझ गया अच्छे से तो ये सारी चीजें आपको समझ के रखनी है ओके माय डियर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारा ओमेगा टी टाइम है अगर मान लो इसी ओमेगा टी में मैं कुछ वैल्यू ऐड करूं लाइक ओमेगा टी प्लस अल्फा समझ रहे हो ना तो ये जो मेरा अल्फा ऐड किया मैंने इसे मैं कहूंगा फेज डिफरेंस क्या कहूंगा मैं इसे फेज डिफरेंस कहूंगा क्या कहूंगा मैं इसे फेज डिफरेंस कहूंगा समझ गया ये मेरा फेज डिफरेंस होता है ये वही अब तक मैंने अब तक आपको बताया जो हमने ऑलरेडी ऑसिलेशन में पढ़ रखा है यहां पे हम बस करंट की बात कर रहे हैं वहां पे हम ऑसिलेशन में पार्टिकल की बात किया करते थे है ना तो ऑसिलेशन चैप्टर मैंने पूरा प्रैक्टिकल के साथ आपको करवाया है प्लीज एक बार जाकर ऑसिलेशन को पढ़ लेना बहुत ही मजेदार तरीके से आप सब समझ जाओगे ओके नाउ नागाइज अब इसे जो भी हम पढ़ने जाएंगे इस चैप्टर में उसमें आपको मैथ्स का इंटीग्रेशन लगेगा बिना इंटीग्रेशन इस चैप्टर को तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे और समझ भी नहीं पाओगे तो अगर जो बायो के बच्चे हो तो तुमको तो प्रॉब्लम होगी अब पक्की बात है अगर आपने इंटीग्रेशन थोड़ा भी नहीं जानते हो तो तो बिना मैथ्स के फिजिक्स पढ़ना आपको पहले ही सोचना चाहिए था कि बिना मैथ्स के फिजिक्स हम नहीं पढ़ सकते ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है इसलिए कभी भी ना इतना मैं वैसी भी एक वीडियो बनाने वाला हूं जल्दी ही कि नीट वाले या बायोलॉजी वाले बच्चों को कितना मैथ्स चाहिए उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना दूंगा बस आपको देखना है लेकिन एक काम करो जितने भी बायो के बच्चे हो मेरे डिफरेंसिएशन की वीडियो ऑलरेडी मैंने चार घंटे वाली जो बनाई है उसको प्लीज जाओ और उसका स्टार्टिंग का सिर्फ वन आवर देख लो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और जिस दिन मैं इंटीग्रेशन की वीडियो लाऊंगा उसमें भी मैं पूरे स्टार्टिंग के एक घंटे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जिससे कि बच्चों को इंटीग्रेशन ऐसा समझे ना कि मैं क्या बताऊं मतलब बहुत सारे टीचर्स को देख रहा हूं मैं कि क्या कर रहे हैं मतलब पूरा का पूरा सिर्फ आते हैं क्वेश्चन करा के जाते हैं मैं पूरे पूरा बेसिक बताऊंगा भाई एक्जैक्टली इंटीग्रेशन यूज कैसे करते हैं उसका इस्तेमाल कहां होता है क्या होता है मैं जो भी बताता हूं बेसिक से बताता हूं मतलब ये आपको सम... वो आपको वो मालूम भी है ठीक है तो जब भी मैं पढ़ाऊंगा ना तो वो वीडियो भी देख लेना इंटीग्रेशन के लिए फिलहाल आज अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो आपको कुछ नहीं समझेगा ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आई होप कि आपको ये दो फॉर दो इक्वेशन याद होंगे फॉर द ईएमएफ दफ इक्वेशन एंड फॉर द करंट करेंट इक्वेशन ठीक है ये आपको याद रखना है जिसमें से अल्फा फेज डिफरेंस है ज्यादा यूज तो नहीं है आगे बताऊंगा क्या है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अभी यहां पे ध्यान दो ना अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ ए मतलब एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू जो हमारे अल्टरनेटिंग अल्टर की है वो अभी हम पता करने जा रहे हैं अब हमको सबको पता है कि देखो जो ये हमारा ग्राफ होता है इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं अब आप देखो सबको मालूम होना चाहिए ये जो हमारा ग्राफ है यहाँ पे ये यह कैसा ग्राफ है ये हमारा साइनोसोइडल ग्राफ है साइनोसोइडल कैसा ग्राफ है ये साइनोसोइडल ग्राफ है हमने ऑलरेडी

और जिसमें ई नॉट या आई नॉट ये पीक ई या फिर पीक करेंट कहलाती है ओके okay? ये बात आपको जानकर रखनी है फाइनली अभी हम एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी पढ़ने जा रहे हैं मतलब एग्जैक्टली exactly एवरेज और मीन वैल्यू होता क्या है अभी हम ये देखने जा रहे हैं और आप देख भी सकते हो कि इंटीग्रेशन का पूरा इस्तेमाल हुआ है। डरना मत मैं अभी भी यहां पे सब समझा के जाऊंगा आपको ओके माय डियर चलो सो so, फाइनली अभी हम क्या करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से तो ये सब आपको समझ जाएगा कोई टेंशन की आपको बात लेनी नहीं है ठीक है चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई एवरेज और मीन वैल्यू आखिर अल्टरनेटिव करंट का होता क्या है तो एवरेज और मीन वैल्यू वो वैल्यू के लाती है कि जब हमारा कोई भी सर्किट है जो ऐसा मान लो ये कोई भी करंट जब हमारा मूव कर रहा है तो वो हाफ साइकिल यानी ये ये हमारा हाफ साइकिल हो गया फिर ये हमारा अगला हाफ साइकिल हो गया समझ गया तो ये जो हाफ साइकिल परफॉर्म करने में उसको क्या मतलब कितनी वैल्यू उसने क्रॉस की कितनी वैल्यू उसको निकलना पड़ा मतलब कितनी वैल्यूज लगी कितने वैल्यू में उसने हाफ साइकिल को कंप्लीट कर लिया वही उसकी एवरेज या मीन वैल्यू कहलाती है समझ गया मतलब वो सारी एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज़ वोल्टेज की हो चाहे वो करंट की हो उसे कितना हाफ साइकिल कवर करने में लगा ओवर हाफ साइकिल ये ये बात ये समझना है बस इतना की पॉइंट प्लीज याद कर लो मैंने की पॉइंट आपको बताया जो कि कभी भी आपसे कोई पूछ ले तो आपको तुरंत बताना है कि एवरेज और मीन वैल्यू जो होती है अल्टरनेटिंग करंट की वो हाफ साइकिल पे हम चेक करते हैं अब आप ही बताओ अगर हम हाफ साइकिल पे ही चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे जीरो और जब यहां से हमारा कोई भी ग्राफ घूम के यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वन डिग्री बनाएगा समझ रहे ना तो हमेशा जीरो से कहां पर वन के लिए हम जाएंगे फॉर दी हाफ साइकिल ठीक है चलो ये बात आपको जाननी है सो नाउ माय डियर जो हमारी एवरेज वैल्यू होगी आप उसको निकालोगे निकालोगेगा से तो हम जानते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो साइनोसोइडल है अब साइनोसोइल में हमको साइन थीटा का इस्तेमाल करना है और रेंज भी हमको मालूम है कि जीरो डिग्री से लेकर के वन डिग्री तक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन में मान लो अगर मुझे किसी की रेंज चाहिए कहां से जीरो से अगर पाए तक की तो जीरो से पाए ये लाइन खींचूंगा और जीरो से लेकर के पाए यहां डाल दूंगा और किसके साइनोसॉइडल है तो यहाँ पे साइन थीटा और हमारा इसको इंटीग्रेट करूंगा विद डी थीटा ठीक है तो आप यहां पे देख सकते हो तो देखो ये डी थीटा और ये साइन है जीरो से लेकर के पाई के बीच में हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया एवरेज वैल्यू निकालनी तो हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा बाय सम वैल्यूज तो हमको यहां पे एक बार डिवाइड करना पड़ेगा बाय डी थीटा और उसकी भी रेंज हमारी जीरो से पाई के बीच में रहेगी एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में समझ गया इसलिए नीचे डिवाइड भी कर दिया ओके okay? नाउ अब आगे बढ़ते हैं अब देखो दुनिया को पता है कि साइन जो इंटीग्रेशन होता है वो थीटा होता है माइनस थीटा होता है और ये जीरो है ये पाए है हमको साइड में लिख देना होता है ये आपको स्टेप भी सिखा रहा हूं मैं ये बात है आपको ध्यान रखनी है तो ये जीरो से पाए ऐसे लिख दूंगा ऐसे ही अभी आपको एक चीज और समझनी है कि जब मान लो वन और यहाँ पे डी लिखा हुआ है सिर्फ यहाँ पे वन है कुछ नहीं तो वन ही माना जाता है तो इसका इंटीग्रेशन जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा वो एक्स है तो एक्स आ जाएगा ठीक है एक्स आ जाएगा बात ध्यान रखना ठीक है तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वन है और यहाँ पे क्या लिखा थीटा तो देखो यहाँ पे थीटा आ गया और इसकी वैल्यू कितनी है जीरो से पाए तो यहाँ पे देखो नीचे जीरो से पाए लिमिट कर दो ओके ना अब यहाँ पे ध्यान देना हमको करना क्या होता है सभी लोग ध्यान दो ऐसा तो हम देखो जो भी यहाँ पे रहेगा ना जीरो लिखा यहाँ पे पाए लिखा तो हमने पुट कर दिया बस हमको इसका फॉर्मुला देना चाहिए साइन थीटा का फॉर्मुला माइनस कॉथ थी होता है वो फॉर्मुला लिख दिया हमने अंदर यहाँ पे देखो अब हमको करना क्या होता है ये पहले ऊपर वाली वैल्यू को पुट करते हैं इस थीटा के जगह में जो भी हमारा फंक्शन था मतलब थीटा थीटा फंक्शन फंक्शन था तो जगह में एक्स रहेगा तो एक्स की जगह में टी रहेगा टी के जगह में ठीक है वैसे हमारा पाए यहां पे पहले पुट करेंगे पुट करेंगे तो देखो कॉस पाए बन जाएगा फिर हमको अपने आप माइनस करना होता है और फिर हम नीचे वाली वैल्यू को पुट करते हैं मतलब ऊपर वाली पुट करके वैल्यू फिर माइनस करने का फिर नीचे वाली पुट करने का देखो तो फिर माइनस करूंगा देखो पूरा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा गलती मत करना फिर पाई को थीटा की जगह पुट करूंगा पाई आ जाएगा और फिर जीरो को पुट करूंगा तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा क्योंकि थीटा की जगह में जीरो करोगे तो जीरो ही आएगा ना ना अब आगे सॉल्व करेंगे कॉस जीरो की वैल्यू कितनी तो होती है माइनस वन होती है ठीक है मतलब वन रहती है बट यहाँ पे देखो ये माइनस लगा हुआ है ना तो देखो यहाँ पे माइनस आ जाएगा फिर ये माइनस भी है देखो यहाँ पे ये माइनस है फिर यहाँ पे देखो ये माइनस है यहाँ पे देखो ये माइनस है बस कॉस ये वन एट्टी है तो कॉस वन एट्टी माइनस वन होता है ऐसे लिख दिया और नीचे क्या बचा सिर्फ पाए बचा देखो यहाँ पे नीचे पाए बचा अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे टू आएगा करके आप चाहे तो देख लो क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है है तो 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 ये ये आपको पूरा बन जाएगा अपॉन हमारी किसी की भी एवरेज वैल्यू थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको अपॉन को जब आप सोल्व करोगे तो पाई की वैल्यू थ्री होती है और टू फिर टू को डिवाइड कर दोगे थ्री पॉइंट से तो आपको जीरो पॉइंट सिक्स थ्री सेवन मिल जाएगा ये फिक्स है एवरेज वैल्यू दुनिया का कोई भी अल्टरनेटिंग करंट दो उसकी ये वैल्यू फिक्स होती है फिक्स क्योंकि हमने कोई वैल्यू नहीं लगाई है हमने यहां पे प्रूफ किया है कि कितनी होती है एवरेज वैल्यू किसी भी अल्टरनेटिंग करंट की क्योंकि वो साइन ग्राफ है तो इसलिए हमने साइन थीटा से लेकर के डी थीटा से इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेशन जिसको आता होगा तो ये बहुत चिंदी दो मार्क्स को एग्जाम में आता है और जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता होगा उसके लिए पहाड़ है ये किसी को समझा ही नहीं होगा अगर इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो तो बस वहां पे मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है ठीक है तो कुछ नहीं बस इतना याद रखो यार अगर मैंने बोला कि इंटीग्रेट दिंग में एक्स बोल दिया तो यहाँ पे बगल में डी एक्स आएगा

एक्स क्यूब अपॉन थ्री आ गया इंटीग्रेशन कहलाएगा लेकिन पहले फोर की वैल्यू को एक्स में पुट करो तो क्या आएगा फोर का क्यूब अपॉन थ्री फिर माइनस करने का फिर टू को पुट करो तो टू का क्यूब अपॉन थ्री अब इसको सॉल्व कर दो तो इसका पूरा आपको यहां पे मिल जाएगा इसका पूरा आंसर यही है पूरा इंटीग्रेशन मैंने आपको शॉर्ट में फिर से सिखा दिया तो अब ये चीजें आपको जान के रखनी है और कुछ नहीं वही चीज अभी देखो हमने यहां पर भी वही किया है पहले पाई को पुट किया मैंने इसीलिए स्टेप बाय स्टेप किया आपकी बुक में ऐसा नहीं करके दिखाया है आपकी बुक वाले को लगता है कि आपको इंटीग्रेशन आती है ठीक है पर उसको क्या पता कि यहाँ पे किसी को नहीं आता है तो जीरो पुट करेंगे सोल्व किया तो जीरो पॉइंट सिक्स थ्री सेवन आ जाएगा ओके ना अब देखो यहां पे क्या है किसी की भी एवरेज वैल्यू आपको चाहिए भाई उसकी पीक वैल्यू भी तो पता होना चाहिए तो फाइनल फॉर्मूला क्या होगा अब एवरेज वैल्यू के लिए 0.637 ये नंबर तो फिक्स हो गया बट किसी भी अगर मैं चाहे ई की बात करूं चाहे मैं करंट की बात करूं तो उसकी अपनी अपनी भाई पीक वैल्यू होती है समझ गया अपनी अपनी पीक वैल्यूज होती है देखो ना अगर टॉप पे आ गया तो उसकी पीक वैल्यू ई नॉट रहेगी करंट होता तो यहाँ पे आई नॉट हो जाती समझ गया तो सबकी अपनी अपनी पीक वैल्यू होती है तो हमारा जो एवरेज वैल्यू हो चाहे वो ई का हो चाहे करंट का हो हमको उसे पीक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बाय दिस नंबर तो हमको जाके मेन एवरेज वैल्यू मिलती है ये बात आपको ध्यान रखना है बस और कुछ नहीं ठीक है सो so, चलो अब यहां पे तो प्रूफ कर देना है पी की वैल्यू क्या होती है करंट के लिए आई नॉट ई एम एफ के लिए ई नॉट जो मैंने आपको पहले बताया है ओके अब यहां पे देख लो तो इसीलिए हेंस पे क्या आ जाएगा एवरेज वैल्यू क्या मिलेगी यहां पे थोड़ा फोकस कर लो सी जीरो पॉइंट सिक्स सेवन सी और यहां पे आई नॉट सिंपल और ई एम एफ का एवरेज कितना मिलेगा जीरो पॉइंट सिक्स थ्री सेवन और ई एम एफ की पीक वैल्यू ई नॉट होती है ई नॉट तो ये ईएमएफ का देखो ये ईएमएफ का एवरेज वैल्यू मिल गया और करंट का दिखाता हूं देखो यहां पे करंट का ये करंट की एवरेज वैल्यू है 0.637 और ये आई नॉट समझ गया तो ये करंट का हमारा एवरेज वैल्यू हो गया ये हमारा ईएमएफ का एवरेज वैल्यू हो गया इस तरीके से मेडर हम लोग सारी वैल्यूज को फाइंड करते हैं तो अब बस आपको याद सिर्फ इतना करना है आपको मैंने सिखा भी दिया है कि एवरेज वैल्यू करंट की ये होती है और ईएमएफ की एवरेज वैल्यू ये होती है तो प्लीज हमेशा याद रखना जिसमें से अगर मान लो आपको एवरेज वैल्यू ईएमएफ की दे रखी है और आपको पीक वैल्यू पूछ लिया तो आपको बस उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाया करेगी ठीक है ऐसे करंट के लिए भी सेम वैल्यू ठीक है सेम थिंग ओके चलो अभी आगे बढ़ते हैं अब हमको यहाँ पे थोड़ा और मजा आएगा और आगे इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से इस्तेमाल होने वाला है आज तो आप इंटीग्रेशन सीख ही जाओगे चाहे जो भी हो जाए ना अभी हमको आरएमएस वैल्यू निकालनी है अब आप बोलोगे आर एम वैल्यू पहली बार सुन रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप झूठ बोल रहे हो आपने अगर चैप्टर नंबर थ्री कनेडिक थियोरी ऑफ गैसेस ट्वेल्थ क्लास का चैप्टर नंबर थ्री फिजिक्स पढ़ रखा है तो आपको रूट स्क्वायर वैल्यू पता होगी ठीक हो हो है तो मैंने सारी वीडियो डाल दी है, चलो, अभी है। बहुत ही मजा आएगा अभी देखना कितना अच्छे से निकलेगा ठीक है पहले कंसिडर करते हैं कि मान लो मेरा आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ द करंट है आर मेरा रजिस्टेंस है एच हमारा हीट है और टी हमारा टाइम है अब बोलोगे हीट क्यों देखो मेरा ये मान लो कोई सर्किट है मतलब सर्किट इन मेरा कोई भी कंडक्टर है जिसमें से मैं करंट को पास कर रहा हूं हमने क्लास अगर, तो अगर कोई भी कंडक्टर में से अगर हीट पास होता है सॉरी करंट पास होता है तो अगर करंट पास होता है तो उसमें उसी कंडक्टर में ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू मूवमेंट और ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और करंट हीट प्रोड्यूस होता है क्या प्रोड्यूस होता है हीट प्रोड्यूस होता है ऑन दी कंडक्टर यानी कि और इसी को हम कहते हैं हीटिंग हीटिंग इफेक्ट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट 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 ड्यू टू हम ऐसा कहते भी हैं यानी जब किसी कंडक्टर में से पास होता है किसी भी कंडक्टर में से तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है इसी को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं तो वही हीट हमने यहाँ पे लेके रखा है नौ टाइम टी लेके रखा है ना अभी कंडक्टर की बात करते हैं तो अगर कंडक्टर में हमारा जो आर वैल्यू होती है यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी आर वैल्यू

जो भी हम लोग अपने स्टडी करंट पास करते हैं फ्रॉम दी कंडक्टर टू प्रोड्यूस हीट ठीक है वही मेरा आर एम एस वैल्यू कहलाता है ये बातें आपको जानकर रखनी है ओके चलो तो अब ये कितना वैल्यू है इसका ये हम कैसे निकालेंगे यही हम फाइंड करने जा रहे हैं ठीक है चलो देखो मान लो मेरा आई आर एम एस ये देखो आई आर एम एस ये मेरा है आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट ऐसी आर एम एस वैल्यू ऑफ ई एम एफ भी हो सकता है सेम तरीके से ईएमएफ का भी होता है अभी तक आप देखते भी चले आ रहे हो ना कि जितनी वैल्यू देखो यहाँ पे आ, 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 मतलब करंट की होती है उतना ईएमएफ भी रहता है ये बात आपको समझ के रखनी है तो जो भी हमारा आएगा मतलब करंट का आरएमएस वैल्यू रहेगी वही हमारी ईएमएफ की भी रहेगी ये बात आपको समझनी है चलो आगे निकालते हैं तो ना रिलेशन बिटवीन दी आर एम एस वैल्यू एंड पीक वैल्यू इनका रिलेशन पहले निकालते हैं क्या होता है तो देखो आर एम एस वैल्यू का स्क्वायर रिलेशन ये आपके बुक में दिया हुआ है आर एम एस वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टू पाई ये करंट है करंट को इंटीग्रेट कर दो अब हमारी पी की वैल्यू है और हमारी नीचे भी हो सकती है मतलब इधर पे भी हो सकती है और इस पॉइंट पे भी हो सकती है समझ रहा है तो जो वैल्यूज है एक बार ये हाफ सर्कल में एक बार ये हाफ सर्कल में दोनों हाफ सर्कल को वन हाफ सर्कल और सेकंड हाफ सर्कल मिला तो कितना होता है थ्री सिक्सटी थोड़ा सा रेडियन में लिखूं तो 360 को 2 पाई लिखते हैं यानी कहां से स्टार्ट किया था जीरो से स्टार्ट किया था देखो जीरो से 2 पाई तक गया किसके लिए जा रहा हूं करंट के लिए जा रहा हूं ठीक है नीचे भी 2 पाई से डिवाइड कर दो एवरेज आर वैल्यू आपको स्क्वायर के साथ मिल जाएगी समझ गया तो ये यहां से आया ऐसे आपको जानकर रखना है ओके नाव अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा बहुत ही अच्छी बात है हम थोड़ा सा यहाँ पे टू पाई के बारे में समझते हैं ये जो टू पाई है इसको हम कॉमन ले सकते हैं वन अपॉन टू पा साइड में ले लिया अगर अंदर दूंगा तो फिर से इसके नीचे में टू पाई ऐसे आ जाएगा बट हमने इसको कॉमन ले लिया तो कुछ लिख के फायदा नहीं है ठीक है ऐसे निकाल दो उसको साइड में नाउ अब यहां पे एक चीज आपको समझ के रखनी है जो जो है है ये जो हमारा यहां पे लिखा है, उसके जगह में आय नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये कैसे आया ये हमको अभी जानना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है जानना इसके बारे में भाई एग्जैक्टली ये आया कैसे ठीक है तो आप देखो यहां पे तो अभी अभी हमने सॉल्व किया था ना कि आई इज इक्वल टू आय नॉट साइन थीटा अभी अभी हमने सॉल्व किया था कि नहीं किया था देखो अभी अभी हमने यही सॉल्व किया था है ना अभी हमने यही सॉल्व किया था ठीक है यहाँ पे एक्जेक्टली आई स्क्वायर होना चाहिए था ठीक है यहां पे आई स्क्वायर होना चाहिए था ठीक है अब जब देखो आय के जगह में हम आई नॉट साइन थीटा पुट कर देंगे तो यार जब उसका स्क्वायर करेंगे तो यार आय नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा ना सो so सिंपल कोई बड़ी बात है क्या इसमें नहीं ठीक है ना अब हमको आगे सिर्फ इंटीग्रेशन का काम करना है आगे सिर्फ और सिर्फ हमको इंटीग्रेशन का काम करना है है अब देखो इंटीग्रेशन में एक फंडा होता है। जो भी डी के साथ डी थीटा एक अलग ही फंक्शन रहता है इसका कोई मतलब नहीं बस ये सिर्फ इसलिए होता है कि ये बताता है कि यहां पर जो वैल्यूज दी हुई है इस इंटीग्रेशन के साइन के बाद यहां पर जो वैल्यूज की दी हुई है उसमें से सिर्फ किसका इंटीग्रेशन करना है ये डी थीटा बताता है डी के साथ कौन है थीटा यानी सिर्फ थीटा वाले का ही सिर्फ इंटीग्रेशन हो सकता है ये आय का नहीं होगा यानी आय कैन गो इनटू द कॉमन सेक्शन कॉमन वाले जगह में आ सकता है कॉमन हम आय नॉट स्क्वायर को निकाल सकते हैं देखो मैंने वही करने वाला हूं देखो मैंने आय नॉट स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया और नीचे टू पाए तो बैठा ही था आप देख सकते हो आय नॉट स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया अंदर सिर्फ स्क्वायर थीटा बचेगा अब देखो यहाँ पे ध्यान देना अब जो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा किसी के अंदर अगर हिम्मत हो तो मुझे इसका फॉर्मूला बता दो इंटीग्रेशन का क्योंकि इसका फॉर्मूला है ही नहीं इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा का को कोई फॉर्मूला नहीं है इसको हमें दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ता है दिमाग लगा के सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमको कॉस टू के चार फॉर्मूले मालूम है कौन से एक तो हमको फॉर्मूलाइन मालूम है थीटा थीटा है ना फिर हमको पता है थीटा है ना फिर हमको एक और पता है टू कॉस स्क्वायर थीटर माइनस वन और एक टेन वाला है ठीक है तो यहां पे देखो जरा साइन है और साइन स्क्वायर थीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं तो हम क्या करेंगे हम देखो साइन स्क्वायर थीटर किसे कॉस में जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटर सिर्फ मुझे चार फॉर्मूले से इसी में मिल रहा है ठीक है तो आप सबको इतना समझ गया रहेगा कि देखो क्या होता है ध्यान देना अच्छे से इतना तो आप अगर डेरिवेटिव मैथ्स के बच्चों ने डेरिवेटिव कर रखा है तो उनको तो समझेगा ही और अगर बायो के बच्चे तो तुमको प्रॉब्लम हो रही मैं जानता हूं ना वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि यार तुमको मैथ्स क्या बोलो बिना मैथ्स की फिजिक्स नहीं आती है यार ये बात ध्यान रखो ना अब यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी आप ही जरा मुझे बताओ वन माइनस स टू थीटा अपॉन टू यही वैल्यू मुझे मिलेगी चाहे तो आप निकाल के देख लो देखो वही चीज मैंने यहां पे लिख रखा है आपके बुक में यही नहीं बताया कहां से आया है तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह में देखो इस तरीके से आ जाएगा अब कोई भी अगर बायो का बच्चा भी है तो अब मैंने समझा दिया ना यार कॉस टू थीटा के चार फॉर्मूले एक, एक ये एक ये एक ये जिसमें से मैंने ये वाला इस्तेमाल किया है समझ गया ना अच्छे से अब देखो ये वाला देखो ये वाला इस्तेमाल किया फॉर्मूला यहाँ पे वही फॉर्मुला सेम है अब इसमें से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताऊं तो क्या आएगी यही मिलेगा ना और देखो वही चीज यहाँ पे लिख रखा है समझ गया ना चलो अब आगे बढ़ते हैं अब सब इसको हटा देता हूं अब आपका फॉर्मुला स्क्रीन शॉट ले लिया करो फटाफट ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि सारी चीजें मुझे जगह चाहिए होती है लिखने के लिए तो अब मैं उसको लिखने छोड़ नहीं सकता हूं लिख के मिटाना पड़ेगा क्योंकि दूसरी चीज समझानी है ठीक है ना तो वन माइनस कॉस्ट टू थीट टू आ गया ना अब ये को भी कॉमन ले सकता हूं क्योंकि सिर्फ डेरिवेटिव तो थीटा का होने वाला है टू कॉमन जाएगा देखो यहाँ पे आगे देखो यहाँ पे पूरा टू इंटू टू पाई नीचे बन जाएगा नीचे ही कॉमन आएगा क्योंकि नीचे से जा रहा है ना इसके लिए

और कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है ये बताओ तो कॉस थीटा के सिर्फ बता दो तो टू थीटा अपने आप चल जाएगी। क्या होता है साइन है अगर टू लगा अगर कॉस टू थीटा है तो इसका इंटीग्रेशन साइन टू थीटा अपॉन टू आ जाएगा क्यों क्योंकि साइन थीटा आता लेकिन एंगल डबल है ना एंगल डबल है ना तो नीचे टू से डिवाइड करना पड़ता है अगर यही हमारा डेरिवेटिव करना होता तो थीटा थीटा का डेरिवेटिव और हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन इन द केस ऑफ इंटीग्रेशन हम उसी को डिवाइड करते हैं ठीक है ये बात है आपको जान के रखनी है तो इंटीग्रेशन के केस में हम डिवाइड करते हैं डेरिवेटिव के केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है तो ये बातें आपको समझ के रखनी है तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा साइन टू थीटा और डिवाइड कर दो टू से जो यहां नंबर रहता है एक्स्ट्रा अगर कुछ नहीं तो वन आता तो वन को लिख के दिखा के फायदा भी नहीं होता समझ रहे ना तो ये बातें आपको जान के रखनी है ओके okay, तो ये सब मैथ्स होता है इतना आपको समझना है बिना मैथ्स के आप कर भी नहीं पाओगे ठीक है ना अब यहाँ पे जीरो से लेकर टू पाई तक हम जा रहे थे तो यहाँ पे देखो जीरो से टू पाई रख दिया अब ये सब आपकी बुक में इतना बताया नहीं है आपकी बुक में डायरेक्टली कर दिया ना अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर रखो ये इतना देखो यहाँ पे वैल्यू है अभी ठीक है थीटा माइनस साइन टू थीटा पॉइंट टू 0 के तक आपकी गई है। ना अब हम क्या करेंगे हर जगह देखो यहाँ पे मैंने पुट कर रखा है देखो क्या किया पहले मैंने पहले टू पाई पूरी वैल्यू को पुट कर दिया फिर माइनस करके जीरो पुट करूंगा पूरी वैल्यू में देखो यहां पे पहले क्या किया पहले मैंने टू पाई पुट कर दिया फिर यहाँ पे देखो टू पाई आ गया देखो ये पूरा एक बॉक्स बन गया अच्छा खासा ठीक है अच्छा से देखो पहले हर थीटा के जगह में टू पाई डाला है खत्म कहानी क्योंकि थीटा के लिए हमने सॉल्व किया था डी के बाद बगल में जो रहता है उसी के लिए हम इंटीग्रेशन सॉल्व किया करते हैं तो टू पाई यहाँ पे पुट कर दूंगा खत्म कहानी यार टू पाई साइन फोर पाइन टू आ जाएगा माइनस साइन लगाने का और देखो यहां पे आ जाओ अभी जीरो पुट करूंगा देखो सभी में हर थीटा के जगह में जीरो डाल दो देखो जीरो माइनस साइन जीरो टू खत्म कहानी ऐसे समझ गए आपकी बुक में ऐसा दिखाया भी नहीं उसको लगता है कि आपको पूरा इंटीग्रेशन आता है अब ये तो पूरा जीरो ही बन जाएगा ना साइन जीरो जीरो होता है और जीरो माइनस करोगे सब जीरो खत्म

अब देखो जो साइन थ्री सिक्सटी है उसका मतलब ही होता है तो चाहे आप चार से गुणा कर दो या दो से गुणा कर दो मल्टीप्लाई कर दोन ट्वेंटी लाना है देखो मैं आपको बताता हूं यहां पर समझना सेवन ट्वेंटी ये ठीक है थ्री सिक्सटी साइन थ्री सिक्सटी जीरो होता है अगर मैं इसमें दो से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा सेवन ट्वेंटी तो इसमें भी दो से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी ये जीरो ही आएगा ना समझा कि नहीं समझा तो मतलब कि चाहे फोर पाए रहे चाहे कुछ भी रहे वहां जीरो ही मिलने वाला है समझ गया अच्छे से तो यहाँ वैल्यू यहाँ पे जीरो आ गई देखो जीरो लिख दिया मैंने यहाँ पे और अपॉन में टू है वो टू तो रहेगा कैसे देखो ये टू ये टू इससे भी जाएगा और इसके पास तो है ही है ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा और अपॉन में टू ये अपॉन में टू इधर भेज दो या वैसे रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ये जीरो तो देखो ये माइनस करके जीरो गाया भी हो गया ना तो यहाँ हाँ टेक्स्ट बुक में हाथ घुमाना या आंखें घुमा लेना आपको सब समझ में आ जाएगा कि कितना हार्ड आपके बुक में दिया हुआ है तो आई स्क्वायर आर एम एस वैल्यू आई नॉट अपॉन टू यही मुझे मिली जो मेरी आर एम एस वैल्यू है ऑफ द करेंट देखो हमने सॉल्व किया था ना क्या हमने कंसीडर किया था स्टार्टिंग में करंट ठीक है और आई आर एम एस देखो यहां पे मिल गई अगर मैं इसको और आगे करूं तो मैं भी ले सकता हूं अपॉन रूट टू मिल जाएगा मुझे क्या मिल जाएगा आई नॉट अपॉन रूट टू मुझे यही वैल्यू यहां पे मिलेगी समझ रहे ना यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है तो जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरा टू क्या देखो, बनेगा मुझे ध्यान देना अच्छे से आई आर एम एस वल टू ये आई नॉट और अपॉन में रूट टू देखो यही वैल्यू मुझे मिलेगी अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ठीक है अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं देखो यही चीज यहां पे लिख के रखी है समझ गया नाउ अब अगर मान लो माय डियर मान लो देखो अगर इसको ऐसा सॉल्व करू आगे तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू ऐसे लिख दूं और आई नॉट लिख दू चलेगा ना अब इसको सॉल्व कर दो अब देखो वन अपॉन रूट टू की वैल्यू होती है वन पॉइंट फोर वन ठीक है अब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन आएगा करके एक बार देखो ना आएगा पक्का आएगा ठीक है और यहाँ पे देखो बगल में आई नॉट बैठा है तो यहाँ पे देखो आई नॉट आ गया यानी कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू आरएमएस वैल्यू आई आर एम एस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन आई नॉट होती है ये आपको याद रखना पड़ेगा एंड व्हाट इज द एवरेज वैल्यू तो एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स थ्री सेवन और यहाँ पे क्या आएगा आई नॉट पी की वैल्यू समझ रहे हो ना पी की वैल्यू तो बस हमको की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है और देखो चाहे वो आर एम एस वैल्यू हो चाहे वो एवरेज वैल्यू हो इन दिस सिमिलर केस अब देखो हमारा ई ER, आर मतलब EMF का RMS भी हमको वही मिलेगा आप उसी तरीके से पूरा सॉल्व करोगे आपको वही मिलेगा इसीलिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हो एग्जाम में भी ठीक है कि नॉट e अपॉन आपको रूट टू मिलने वाला है तो जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन वही आएगा आपको और ई e नॉट बगल में लिख देना है तो व्हाट इज द ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू वही सेम जीरो e ना तो ई e का भी आपको ई आर एम एस वही आपको उतना ही मिलेगा जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन आई नॉट जैसे कि देखो हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ द ईएमएफ वही सेम मिला था मिला था कि नहीं मिला था अभी जीरो पॉइंट सिक्स थ्री सेवन

मतलब करंट में से जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसमें से कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो हीट का फॉर्मूला हमको पता ना क्या होता है एच इजर आर टी ये हमने पहले भी देखा है एच इजल टू आई के रखा है आई इसको इंटीग्रेट कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ टाइम और जीरो से लेकर के टू पाई बाय ओमेगा अब बोलोगे टू पाई बाय ओमेगा क्या है ये हमारा टाइम है कितना टाइम चेंज हुआ कितना टाइम चेंज हुआ? हुआ हमारा टाइम है टू पाई बाय ओमेगा हमारा टाइम है टाइम टाइम ठीक है अब कैसे हमारा टाइम है ये तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे टाइम हो। ओमेगा टू, टू पाई बाई टी होता है अगर लेके जाऊंगा तो, तो क्या मिलेगा टी टाइम की टू पाई बाई होती है। अब आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है चलो तो जीरो से लेकर टू पाई बाई बाई ये आपको समझ गया और डी टी टाइम के लिए हमको उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है अब देखो यहाँ पे टी है ना मतलब सिर्फ टी वाले का ही इंटीग्रेशन होगा बाकी सब कॉमन जाएंगे तो आर और आई स्क्वायर को कॉमन ले लिया देखो इसको ले लिया। आपके बुक में बहुत ही कॉम्प्लेक्स कर दिया है मैंने बहुत अच्छे समझाया है। तो से टू और उसमें वन से एड कर दो और जो ऊपर लिखते हैं वही हम नीचे भी लिखते हैं ठीक है तो ऊपर अगर टी वन प्लस वन टी का स्क्वायर बन जाएगा तो नीचे भी वन प्लस वन आएगा ओनली तो यहाँ पे सिर्फ टू बन जाएगा समझ गया और बाकी हमारा जो आई स्क्वायर आ रहा है वो साइड में रहेगा और जो हमारी ये वैल्यूज थी जीरो से लेकर टू पाई बाय ओमेगा ये वैसी का वैसे यहाँ पे लिख देनी है आपको और कुछ नहीं नाउ अब करना क्या है अब सिर्फ इतना करना है कि देखो ये टू को हम साइड में ले सकते हैं तो आई स्क्वायर नॉट आर अपॉन टू आ जाएगा और जब हम टू पाई ओमेगा को पुट करेंगे इन द केस ऑफ टी तो यहाँ पे टू पाई बाय ओमेगा और जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो जीरो आ जाएगा समझ गया इस तरीके से हमारी इनकी वैल्यूज मिल जाएंगी ठीक है आपको जानना है तो टू पाई ओमेगा ये रहेगा और हमारी जो जीरो की वैल्यू है इस तरीके से हमारी जीरो वैल्यू पे आ जाएगी ओके चलो देखो अब समझ गए ना मतलब बाय ओमेगा को जगह पुट करूंगा तो मिलेगा ना तो पहला केस हो गया फिर माइनस कर दो अब जीरो पुट करो टी के जगह में जीरो पुट करूंगा तो यही आएगा ठीक है ना अब जो टू पाई माइनस टू पाई अपॉन ओमेगा माइनस जीरो किया तो क्या मिलेगा मुझे टू पाई देखो अभी ये मिलेगा ये इसका कोई वैल्यू ही नहीं है क्या मिलेगा इस ये पूरा इतना टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा

ए ये देखो मतलब मैं इसके में क्या लिख सकता हूं इसके जगह देखो वही मैं लिखने जा रहा हूं तो, तो टोटल हीट क्या निकलते आ रहा है जब से हीट निकलते आ रहा है दिख रहा है आपको ये हीट समझ रहा है देखो यहां से क्या निकल रहा है हीट इज इक्वल टू ध्यान देना हीट इज इक्वल टू क्या यहाँ पे आर ऑलरेडी लिखा है टू पर ऑलरेडी लिखा है देखो यहाँ पे पाई ओमेगा और आर ऑलरेडी लिखा हुआ है बस क्या किया हमने हमने इस आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टू की जगह में आई स्क्वायर आर एम एस लिख दिया वही आर एम एस जो वैल्यू है उसकी देखो वही चीज यहाँ पे इसको लिख दिया और कुछ नहीं किया और ये तो हमारा वैसे का वैसा ही है समझ गया ना ये बातें आपको माइंड समझ के रखनी है जहां पे टू पाई ओमेगा हमारा हीट है आई आर एम एस हमारा आर एम एस वैल्यू ऑफ द करेंट है तो बस इतनी सी बात हमको जाननी है और कुछ जानना था नहीं ठीक है इतना आसान सी बातें गाइस अगर मैं आपको बात करूं तो ये सेम हमारा सेम सेम हमारा डीसी करंट के लिए भी यही वैल्यू आएगी मतलब अल्टरनेटिंग करंट के लिए हमने ये निकाला है सेम हमारा डीसी करंट के लिए भी यही सेम वैल्यू आती है तो कोई ज्यादा इसमें सोचने समझने की बात है नहीं ठीक है चलो अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज सिखाना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है देखो हमने क्या सीखा था कि ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट था इस तरीके से हमारा ओमेगा टी हमारा टाइमिंग जाता है मतलब ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई कितनी फ्रीक्वेंसी मतलब एक फ्रीक्वेंसी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी तो अब यहां से इतनी फ्रीक्वेंसी लेने में कुछ टाइम भी लगा होगा ना

प्लीज कोशिश को आप भी जल्दी से इमेजिन कर लो समझ रहे हो फिर ऐसे दूसरी लाइन भी आ सकती है ऐसे ही ठीक है समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो ऐसी दूसरी लाइन भी आ सकती है ठीक है ऐसे ही ठीक है ऐसी दूसरी लाइन आ सकती है तो ऐसे बहुत सारे फेजेस 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 आ सकते हैं आर आर ऐसे कितने फेज नहीं आ सकते हैं बहुत सारे फेजेस ऐसे आ सकती हैं समझ रहे ना तो अब देखो जरा अब देखो क्या होता है ना कि एक टाइम पे ऐसा रहता है मतलब कितने भी चेंज होंगे फिर कितने भी फेजेस चेंज होंगे दीज आर दी फेजेस कितने भी आएंगे अब हमको क्या पता कितने आएंगे हाँ लेकिन ये तो पता है कि अल्टरनेट जरूर होगा तो देखो हमारा फेज एग्जैक्टली exactly कैसे होगा जैसे कि मान लो अगर ये मेरा सर्किट है सर्किट बोल रहा हूँ सॉरी जो हमारा ग्राफ है ग्राफ है इस ग्राफ में देखो मतलब कभी तो कभी फेज फेज हमारा हमारा इधर इधर रहेगा तो से आएगा कभी फेज इधर से रहेगा कभी फेज इधर इधर किधर भी फेज हमारा हो सकता है इस तरीके से पूरे तरीके से इस तरीके से हमारा पूरा फेज किधर भी घूमेगा मतलब कभी इधर से आप इमेजिन करो ना जरा सामने से इधर से देखो इसको थोड़ा इमेजिन करो इधर से आप देख रहे हो अब आपको ये कुछ ऐसे दिखेगा तो कभी इधर से लाइट आ रही है कभी इधर से लाइन आ रही है कभी इधर से हमारा करंट पास हो रहा कभी light, है कभी इधर से लाइट यानी वही जो लाइन है इधर से आ रही है कभी किधर से भी आएगी घूम घूम के घूम घूम के समझ रहे आर आर दी दी फेजेस फेजेस अब देखो यहाँ पे होता क्या है यही चीज आपको समझनी है ठीक है तो जो ये फेजेस है ना जैसे कि मान लो ये पहला हो गया पहला फेजेस अब मान लो यहां से पहली लाइट गई तो ये ने कितना एंगल बनाया हॉरिजेंटल वाले से कितना एंगल बनाया समझिए रहा तो ये हमारा एक फेजर्स हो गया इसे हम क्या कहते हैं फेजर जो कि वेक्टर के फॉर्म में हम दिखाते हैं और इसके टॉप में हमारी पीक वैल्यू रहती है ये हमारे इसके टॉप में पीक वैल्यू जैसे कि जैसे कि यहाँ पे हमारे इसके टॉप में ये हमारी पीक वैल्यू है अगर मैं करंट की बात करूं तो आई नॉट यहां पे आएगा ई की बात करूँ तो ये आई ई एम एफ ई नॉट यहाँ पे आएगा दिस इज पीक वैल्यू दिस इज पीक वैल्यू वैसे यहां पर भी देखो ये फेजर्स ये पीक वैल्यू होगी समझ गया तो अगर मैं करंट की बात करूँ तो यहाँ पे आई नॉट रहेगा पीक वैल्यू और कितना एंगल है मान लो थर्टी डिग्री का एंगल है तो ये हमारे फेजर्स होती हैं ठीक है तो फेजर्स जस्ट एक वेक्टर का रिजल्ट होता है अब देखो वही चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फेजर्स कोई बड़ी बात नहीं है छोटी सी बात है बस थोड़ी सी बात है तो फेजर्स हमारा रोटेटिंग वेक्टर होता है मतलब जो भी हमारा देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वेक्टर क्वांटिटी रहेगी समझ गया ये बात आपको समझनी है अब देखो यहां पर ही देख लो आप इसी डायग्राम में देख लो जो हमारा ये है पहले कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है तो दीज आर दी वेक्टर्स की नहीं समझ रहे कि नहीं समझ रहा है तो अभी क्या होगा यहाँ पे फेजर्स के केस में जस्ट दीज आर दी वेक्टर क्वांटिटीज ये तो फिक्स दुनिया का मालूम है लेकिन इतना बात आपको समझना है कि ये रोटेटिंग वेक्टर है मतलब कभी इधर है तो कभी इधर भी आ सकता है जरूरी थोड़ी कभी इधर भी आएगा कभी इधर भी जाएगा एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज कैसा भी घूमेगा समझ समझना तो ये हमारे फेजर्स होते हैं बट हमेशा रोटेट करते हैं जो वेक्टर डायरेक्शन देखो दिखा रहा ना वैसा लाइन एरो एरो है तो दीज आर दी रोटेटिंग एरोस एक पूरे सर्कल में ऐसा है ना तो किधर भी घूमेंगे किधर भी घूमेंगे ठीक है ऐसा दीज आर दी रोटेटिंग वैक्टर्स समझ गया ऑफ दी दफ एंड करेंट चाहे वो करंट का हो चाहे वो ई का हो अब चाहे आप ये ईम के लिए घुमाओ चाहे आप इसी को करंट के लिए घुमाओ बट दीज आर दी रोटेटिंग वेक्टर्स तो ये फेजर्स होते हैं कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे ही फेजर्स है है फेजर का काम जानते हो क्या होता यार कि हमारा करंट किस तरीके से अल्टरनेट हो रहा है इसको विजुअलाइज करने में हमारा फेजर्स मदद करता है किसमें मदद करता है हमारा फेजर्स फेजर्स हमारा हमारा इसको करने में हमारा मदद करता है किसमें फेजर्स हमारा विजुअलाइज करने में मदद करता है बस इतना ध्यान रखना किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को बेसिकली अगर मैं बात करूं तो फेजर्स वो रोटेटिंग वेक्टर कहलाते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटी ऑफ और मतलब मतलब यानी कैसे vary हो रहा है? ऊपर ऊपर जाना, जाना, फिर फिर नीचे आना, कभी amplitude maximum, कभी amplitude एकदम minimum, कभी कभी एकदम समझ रहे ना? कभी zero कब होगा? जब हमारा इस पॉइंट पे हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्किट रहेगी यहां पे मैक्सिमम कब होगा यहां पे? मिनिमम कब होगा यहां पे? समझ रहे ना तो ऐसे

फेज और टी टाइमिंग जस्ट वही बता ना फ्रीक्वेंसी जो हमारा चलते आ रहा है, तो वही है। अब यहाँ पे देख लो आप पीक वैल्यू के लिए देख रहे हो तो आई नॉट साइन ओमेगा की पीक वैल्यू साइन ऑसली हाफ सर्कल में मिलती है एक बार ऐसे आया तो हाफ सर्कल ये रही हाफ सर्कल तो अब आप ही बताओ पीक पॉइंट यहां पर बनेगी ना ऊपर सबसे ऊपर जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहता है

थर्टी डिग्री ट्वेंटी डिग्री जितना भी रहेगा यार उसको पता है हमको थोड़ी पता है ठीक है जितने भी डिग्री से होने दो तो यहाँ से मान लो इस तरीके से फेजर हमारा साइन थर्टी डिग्री मतलब ऐसे हमारा ऊपर की तरफ फेजर ऐसे ऊपर घूमता है और उसकी जो टॉप वैल्यू होती है वो हमारा क्या रहता है पीक वैल्यू रहती है बस इतना सा आपको ध्यान रखना है अब देखो मैं आपको खुद एक फेजर्स ड्रॉ करके दिखाता हूँ जैसे कि मान लो करंट का फेजर्स मैं बना रहा हूँ तो आई नॉट इजल टू पीक वैल्यू के लिए बनाता हूँ ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा ध्यान देना अच्छे से ओनली करंट है तो यहाँ पे पीक वैल्यू क्यों ले रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे आई इज टू आई नॉट

तो मेरा मतलब माइनस शो करता है कि मैं एंटी क्लॉक में घूम गया तो मैं क्या करूंगा अभी देखो थोड़ा सा ग्राफ मुझे ऊपर से बनानी पड़ेगी समझ सकते हो आप मैं क्या करने वाला हूं ऐसे रहेगा मेरा और इस बार मेरा फिजर्स नीचे बनेगा। नीचे 20 डिग्री समझ रहा है ये देखो नीचे 20 डिग्री बनेगा तो दिस इज दी माई फेजर समझ गया ये हमारा फेज दिखाता है बस इतना कुछ और नहीं ठीक है नीचे की तरफ आ गया कुछ नहीं माइनस साइन नीचे दिखाता है एंटी क्लॉक गया प्लस दिखाता है क्लॉक गया गया एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक समझ रहे हो ना अब क्लॉक घूमती है उसको क्लॉक

पहले का मेरा देखो थर्टी बनाया क्योंकि प्लस वैल्यू है तो मेरा ऊपर जाएगा ग्राफ ठीक है और दूसरे का मैं बनाता हूँ फेजर्स देखो ये दूसरा फेजर्स है दो फेजर्स बन गए ना मतलब फेजर्स दिखाता है यार फेजर्स बस इतनी सी बात है अब 60 है अब पे देखो, 60, ये देखो, देखो मेरा 60 है, ना ये मेरा किसका था मान लो मैं इसको आई वन मान लू इसको मैं आई टू मानता हूं ठीक है तो मेरा आई टू इधर है आई टू इधर है मेरा आई वन का फेज इधर है समझ रहे ना अब देखो मैंने क्या बोला था अगर मेरा ऊपर जाएगा तो लैग मतलब लीडिंग वैल्यू कहलाएगी लीड वैल्यू लीड अप ठीक है और अगर नीचे की तरफ यही ऐसे ऐसे खुलता है ना ऐसे से ग्राफ कुछ बनता तो मेरा लैग लैग कहलाता अप शायद आपकी बुक में दिया रहेगा तो मैं आगे बता दूंगा बट अभी शायद दिया तो नहीं है ठीक है चलो फिर भी देख लो तो लीड वाली वैल्यू अब देखो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो I2 I2 टोटल का एंगल कितना है 60 है और 30 का कितना ये I1 कितना है 30 है यानी कि I2 कितना ज्यादा बड़ा है I1 से तो 60 माइनस थर्टी यानी कि 30 डिग्री ही सिर्फ बड़ा है अगर मान लो ये 40 होता तो यानी डिग्री ही सिर्फ आई टू हमारा बड़ा है यानी कि आई टू इज लीडिंग टू दी I1 वन बाय ट्वेंटी डिग्री समझ रहा है ऐसे हम बोलते हैं तो ये सारी चीजें वैल्यू वैल्यू और लैगिंग होती है ठीक है ये बातें आपको समझ के रखनी है जो तो कि बहुत ही आसान है ऐसे ही अगर नीचे रहता ना तो हम लैग अप बोलते हैं लैगिंग वैल्यू ठीक है लैग बोलते हैं ऐसा समझ रहा है बस इतनी सी बातें और ज्यादा कुछ बड़ी बड़ी बातें हैं नहीं इसमें ओके तो इतना तो हम सब जानते हैं और अगर आगे रहा तो मैं आपको सिखाई दूंगा तो बस इतना याद रखना यार कि ये सारी वैल्यू जिसमें से थर्टी डिग्री ये सिक्सटी डिग्री देखो फेस दिखा रहा है ना देखो ये थर्टी का भी हमने फेस देखो बनाया है फिर यहां पे सिक्सटी का फेस बनाया मैंने आपको पहले बोला था कि ये अल्फा होता है फेस बस आपको मैंने पहले ही सारी चीजें समझाई थी ओके तो ये बात आपको जान के रखनी है ना अब यहां पे देखते हैं टाइप्स ऑफ ए सर्किट्स ये अभी पढ़ना नहीं है अब हम इसको बाद में पढ़ेंगे बस आपको मैं यहाँ पे एक नोट्स बना के रखा हूं, दिखा देता हूँ इस तरीके से पढ़ना है ये चार टॉपिक ही हमको पढ़ने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगली वीडियो में हम ये चार टॉपिक कवर करेंगे ठीक है मतलब एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर ए वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपासिटर ए सर्किट कंटेनिंग रजिस्टेंसेंट कैपेसिटेंस इंडक्टेंस इन सीरीज ये सब हम पढ़ने वाले हैं अगले वाली वीडियो में तो इस वीडियो को दो बार रिवाइंड करना और अच्छे से देखना बहुत ही मजा आएगा आपको सभी को समझने में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिसो मिलेंगे ऐसे ही अगली वाली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो यहाँ पर ईमेल कर सकते हो हैंड रिटर्न नोट चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी वहां पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम में पहले डाउनलोड कर लेना फिर क्लिक करना तो ज्वाइन हो जाओगे और वहां पर सारी नोट्स पहले से डाल रखी है मैंने ठीक है मिलेंगे अगली वाली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय